बलरामपुर जिला शिक्षा के लिहाज से काफ़ी पिछड़ा है। यहाँ के विकास के लिए लोग लगातार आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र का बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा कि सशक्त नेता खुलकर इसके लिए आवाज़ नहीं उठा सके। जब 4 जनपदों को मिलाकर मंडल बनाया गया तो उसका नामकरण माँ पाटेश्वरी के नाम से देवी पाटन मंडल रखा गया, तो लोगों को आशा थी कि मंडल मुख्यालय बलरामपुर को ही बनाया जाएगा तो यहाँ का विकास होगा। उसके पीछे का कारण और एक था कि देवी पाटन मंदिर में लगभग हर माह CM का दौरा हुआ करता है, लेकिन मुख्यालय गोंडा को बनाया गया जिससे जिले वासियों को करारा झटका लगा। अब मंडल में देवी पाटन के नाम से एक राजकीय विश्वविद्यालय बनना है, जिसके लिए बलरामपुर जिले में ही बनने की मांग जनता ने उठानी शुरू कर दी है। जिला युवा बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने मंगलवार को मुख्यमंत्री को DM के माध्यम से ज्ञापन भेजकर बलरामपुर में ही विश्वविद्यालय बनाने की मांग की है। जिला युवा बार एसोसिएशन अध्यक्ष अमित कुमार पांडे, विवेक कुमार सिंह महामंत्री ने इसके लिए व्यक्तिगत रूप से अगुवाई करते हुए जिले में ही विश्वविद्यालय बनाने की मांग की है। अच्छा नहीं सहेंगे अधिवक्ता एकता, अधिवक्ता एकता। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।